नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में रजिस्टेंस से रिलेटेड है और हमको यहाँ पर रखन, याद रखना है कि रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ हमको इलेक्ट्रिक रजिस्टेंस तो यहाँ पर की पॉइंट लिख लीजिए की पॉइंट क्या लिखेंगे रजिस्टेंस की पॉइंट इस क्वेश्चन का क्या है की पॉइंट है इस क्वेश्चन का की पॉइंट है रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है अगर लेंथ आपने हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा क्वेश्चन वही है और रॉड ऑफ लेंथ एल हैविंग रेजिस्टेंस आर कट इनटू टू इक्वल पार्ट हमारे पास में एक रॉड है अगर हमने इसको दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया यहां से दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया तो एक का रजिस्टेंस आर बाई और दूसरे का रजिस्टेंस भी आर बाई इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में तो अब अगर हमने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमने इधर कनेक्ट किया एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया दोनों का रेजिस्टेंस कितना है आर बाई टू आर बाई टू और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं आर वन सिंपली अगर यहाँ पर आ, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है तो फिर से आर बाई टू हो जाएगा तो आर बाई टू डिवाइडेड बाई टू तो आर इक्वलेंट जो आया हमारे पास वो आर बाई फोर आया कितना आया आर बाई फोर तो आप यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन आंख बंद कर कर टिक कर सकते हैं क्या की पॉइंट यहाँ पर यूज किया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि अगर एक जैसे रजिस्टेंस पैराले में आपने कनेक्ट किए हैं तो बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आप कर देंगे जैसे दो रेजिस्टेंस एक जैसे आपने पैराले में कनेक्ट किए हैं तो बाय टू कर देंगे तीन रेजिस्टेंस अगर आपने पैरल में कनेक्ट किए तो बाय थ्री कर देंगे चार रेजिस्टेंस आपने में कनेक्ट किए तो बाय फोर कर देंगे सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है आंसर आपके सामने है थैंक यू